परी जी आंखें खोलिए ना परी जी। परी जी देखिए कौन आया। परी जी, परी जी देखिए हम सत्तू। बात तो कीजिए परी जी, हमसे बात कीजिए ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा हम समझ गए, आप हमसे इसलिए बात नहीं कर रहे ना क्योंकि आपने वादा किया था। वादे की पक्की है, बात नहीं करेंगे। ये क्या है सत्तू जी, अब आप हमसे बात भी नहीं करेंगे तो हम भी एक दिन आपसे ऐसे ही रोट जाएंगे। फिर आप कितनी भी विनती करें, कितना भी हमें मनाएं, गिड़गिड़ाएं हमारे सामने, लेकिन हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। दीजिए ना वादा, तो दीजिए ना वादा, प्लीज बात तो कीजिए हमसे, कुछ तो बोलिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा आपको कुल्फी पसंद है ना, वो जो प्रकाश की कुल्फी। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हम प्रकाश की कुल्फी खाने चलेंगे। हाँ चलेंगी ना हमारे साथ, चलेंगी ना। बोलती क्यों नहीं कुछ, बात तो करो। हम आपको पानी पूरी भी खिलाने लेके चलेंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। भी आपकी कोई बात नहीं डालेंगे, कभी आपको चिढ़ाएंगे नहीं। परी जी आपको दिख नहीं रहा, हम परेशान हो रहे हैं। परी जी ऐसे मत करिए ना, अरे क्या हो जाएगा, बात कर लेंगी तो नहीं मानेगी। नहीं सर, वो लड़की सोना ने जहर खा लिया और ये लेटर। जहर खा लिया कैसे? आप खुद ही आके देख लीजिए सर, वो लॉकअप में बेहोश पड़ी है। चलो आइए सर, आइए ये देखिए। कहाँ है वो लड़की? सर अभी तो यही बेहोश पड़ी थी। ये तो टूथपेस्ट है। वो झाग जहर का नहीं टूथपेस्ट का था, थैंक्स लॉकअप में टूथपेस्ट रखने के लिए। बहुत ही शातिर लड़की है, ध्यान रखना चाहिए था ना तुम लोगों को, बेवकूफ बना के लॉकअप से बाहर निकली। मगर ये लड़की जा कहां सकती है?
मैं हूँ आधा मुझ में बाकी आधा है तू। किसी ने कुछ भी नहीं खाया, जैसे सबकी भूख ही मर गई है। सही कहा भाभी, माँ साहब दद्दू ने तो खाने तक को छुआ भी नहीं। छुएंगे भी कैसे भाभी, माँ साहब को अपनी गलती का एहसास जो हो गया है, और एहसास होता भी कैसे नहीं। आखिरकार जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार माँ साहब भी तो हैं। चुप रहो बबीता, जो मुंह में आए बक देती हो। भाभी हम कड़वा तीखा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। आखिरकार क्या जरूरत थी माँ साहब को ये गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलने की, ये जानते हुए भी कि वो लड़की दिमाग से पैदल है। ये तो है, पता नहीं माँ साहब ने उस लड़की को वहां क्यों बुलाया। उस बला का वहां आना हमारी परी के लिए तो आफत ही बन गया। हाँ माँ साहब अगर नहीं बुलाती तो तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, लेकिन जो भी है मुझे परी मैम से बात करनी है, लेकिन अंदर कैसे जाऊं, ये तो यहीं बैठा है। क्यों आई हो यहां पे? मारना है हमारी परी जी को? नहीं तुम चुप। अगर तुम हमारी परी जी के आसपास भी दिखाई दी ना, जो पुलिस ने काम नहीं किया ना वो हम कर देंगे। देखो मुझे सिर्फ परी मैम को देखना था, उनसे बात। क्या बात करने है? तुम्हारी वजह से आज वो अंदर, तुम्हारी वजह से वो भुगत रही है। तुम क्या बात करोगे उनसे? Stop it, damn it! Enough! बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मुझे ब्लेम कर रहे हो? मुझे शोना को? ये सब जो मैंने किया ना वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सच का पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि परी मैम तुम्हारी वाइफ है, लेकिन ये सब करने के लिए मजबूर किसने किया? तुमने परी मैम को मजबूर किया था ये सब करने। तो ये सब जो हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने झूठ बोला कॉलेज, यू आर सिंगल, तो आई बिलीव कि इन सब के रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मैं नहीं। परी मैम तो मेरे साथ तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने चलती थी। तुम्हारे झूठ ने परी मैम को किस सिचुएशन में लगे खड़ा कर दिया? इसे हस्बैंड हो तुम? बस बस रुक क्यों गए? मारो, मुझे भी खामोश कर दोगे राइट? आइए आइए, मैं आप सबको एक न्यूज देना चाहती हूँ। आप लोग जानते हो कि सत्येंद्र शर्मा कौन है? मेरी वजह से आज तेरी हालत होगी, तो 100 सजा देगी मुझे मंजूर है।